जिला कांगड़ा में 3,307 मेधावियों को 10 केंद्रों में लैपटॉप वितरित किए गए। शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 के तहत 10वीं व जमा 2 के मेधावी छात्रों ने लैपटॉप प्राप्त किए। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल और कॉलेज बंद थे, जिसके चलते इस कार्यक्रम में विलंब हुआ है, लेकिन स्थितियां सामान्य होते ही सरकार द्वारा फिर से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। मंत्री ने कहा कि आज के दौर में बच्चे तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के दौर में यह लैपटॉप बच्चों की पढ़ाई में मददगार साबित होंगे। निश्चित रूप से कोरोना टाइम में स्कूल कॉलेजेस बंद थे, इसलिए थोड़ा ये लंबित भी हुआ, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है इसमें विशेष रूप से लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जहां हो रहा है वहां हमारे कांगड़ा जिले में भी ये आज 2018-19 और 19-20 के ये 3,307 लैपटॉप टोटल में है जो आज यहाँ पर उसको मंजूरी मिली है, और कुछ हमने टोकन बच्चे बुलाए हैं कुछ स्कूल के और उनको लैपटॉप जो दिए जाएंगे। विशेष रूप से हमारे डिप्टी डायरेक्टर मैडम रेखा कपूर जी ने भी और प्रिंसिपल महोदय ने सबने मिलकर इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करवा रहे हैं। निश्चित रूप से आज का युग ही लैपटॉप के ऊपर बच्चे सारी पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या सब्जेक्ट है, सारा कुछ ही उनको इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस युग में जो पढ़ाई जिस समय हमारा लॉकडाउन था टीचर्स ने जो है मोबाइल्स के ऊपर भी करवाई है, लैपटॉप के ऊपर करवाई, उस समय भी सरकार ने 10,000 मोबाइल फ़ोन उन बच्चों को दिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिनकी मांग आई कि उनके पास मोबाइल नहीं है, वहाँ सरकार ने उनको मोबाइल देने में भी मदद की और लैपटॉप जिनके घरों में था जिन बच्चों के पास था और उससे भी उनको पढ़ने में मदद मिली है। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा तरीका हो गया आजकल के युग में बच्चे टीचर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उससे उसका लाभ उठवा रहे हैं। सीडी चैनल के लिए धर्मशाला से निरीक्षित नीपी की रिपोर्ट।